हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आपको दो स्टॉक बताऊंगा जो इस मंदी के माहौल में अभी आपको सस्ते में मिलेंगे, लेकिन जब भी जिस भी दिन मार्केट में रिकवरी होगी और जब ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मैं कोई गारंटी लेता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत बिक्री हो चुकी है, बिकवाली हो चुकी है। अब इसके अंदर माहौल आएगा तो सब बाय ही करेंगे और ये ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही नीचे गिर चुका है। और दोनों स्टॉक हैं निफ्टी फिफ्टी के, तो दोनों निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक है। तो फर्स्ट स्टॉक जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये भी 467 पे मिल रहा है, 467.55 पे। अगर हम इसका 5 साल का देखें या पाँच साल में आप देख सकते हैं कि ये जब लिस्ट हुआ था उससे भी बहुत नीचे आ गया है, और ये इतना नीचे है कि अब इसके अंदर रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं। और जैसा कि अभी गवर्नमेंट का भी अभी आया था एक अनाउंसमेंट कि अब गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उनके ऊपर सब्सिडी देगी पूरी। और जो महिंद्रा के भी बहुत सारे मशीनरी आती है, और तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके अंदर रिकवरी आनी चाहिए। और जो अगला इसका रिजल्ट आएगा उसमें इसके अंदर अच्छी रिकवरी तब तक मिल जाएगी, मतलब 1-2 महीने में आपको अच्छी रिकवरी इसमें मिल सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही निचले लेवल पे आपको मिल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। और इसका हाई था 977 लगभग, 977, जो कि ये था 27 अगस्त 2018 को, करीब 1-1.5 साल पहले। तो अब और वैसे अभी आपको पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर मंदी छाई हुई है, तो इस चक्कर में भी ये गिरा है। और जब ऑटोमोबाइल सेक्टर ऊपर आएगा तो इसके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अभी हम देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट, और इसके अंदर RSI का अगर हम लेवल देखते हैं तो ये 26.79 पर है, और मनी फ्लो भी डाउन है बहुत, 39.38 पे। आप वैसे इसका और नीचे आने का वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नीचे नहीं आया तो अगर मार्केट ऊपर गया तो ये ऊपर ही जाएगा और फिर इसके नीचे आने के चांसेस कम है, तो आप इसका वेट कर सकते हैं। वैसे अभी ये 445-450 तक तो जा ही सकता है, और उसके नीचे के अभी चांसेस है, वैसे जा सकता है ये। लेकिन आप इसे हर एक डिप पे बाय करके चलेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है, इसकी एवरेज होकर अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। और जो सेकंड स्टॉक है वो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ITC का। ITC आपको मिलेगा 188 पे, और ये भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही नीचे ये जा चुका है, और इसने हाई बनाया था बहुत पहले 2017 में करीब, और इसका हाई था करीब 337 का। और अभी कुछ दिन पहले ही इसका ये हाई बना है इस साल का, ये 5 नवंबर को बनाया था 262 का, और उसके बाद ये बहुत ही निचले लेवल पे ये आ गया है 188। और ये बहुत अच्छा स्टॉक है देखा जाए तो। और इसका हम देखें तो अभी ये बहुत ही नीचे चल रहा है, और ये वैसे सिगरेट के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के जैसे टैक्स बढ़ाए गए हैं सिगरेट पे और तम्बाकू पे, तो इस चक्कर में भी ये नीचे गया। लेकिन इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आपको दिखाऊं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। ITC की नूडल भी आती है और भी आते हैं इसके ITC के। तो ये FMCG, होटल, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस सब में है ये, IT सेक्टर में भी है। तो हम देखें अब जैसे FMCG के अब आपको दिखाएं प्रोडक्ट्स, तो ये बहुत ही शानदार इसके हैं ये प्रोडक्ट्स, बिंगो, सनफेस्ट, यप्पी और मिंटोस जाती है, और आपको सेवलॉन, ये जो विवेल, ये आशीर्वाद आटा जो आता है,
ये सब ITC के हैं और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो आप अगर इसके अंदर इस टाइम पर अगर आप लेके चलेंगे, क्योंकि इसका पी आप देखिए 15 पर है और इंडस्ट्री का भी डाउन, लेकिन सबसे अच्छी वैल्यू इसमें दिख रही है मुझे बाकी सबके अकॉर्डिंग। जैसे FMCG सेक्टर के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसका आप पी देखें तो इसका आपको दिखेगा PE देखिए 68 पर। ये वैसे बहुत अच्छी कंपनी है इसलिए इसका ऊपर है बहुत। ये भी बहुत से डाबर है, डाबर भी वैसे अभी इतना ऊपर जा चुका है तो ये वैसे नीचे ही आना चाहिए। और इसका PE देखिए 58, तो आपको करीबन सबसे सस्ते PE में ये मिल रहा है। तो अगर आप इसे लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब आपको इसका चार्ट भी दिखा दूँ मैं आपको। ये ITC का चार्ट अगर हम देखें तो ये भी निफ्टी की ही है कंपनी, और इसके अंदर ये रहा ITC का चार्ट अगर हम देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये RSI पे बिल्कुल ये 90.86, 19.86, 83 हो गया। और ये मनी फ्लो पे अगर हम देखें तो 18.77, जो कि बहुत ही नीचे का है लेवल। और अब अगर आप इसे बाय करते रहेंगे धीरे धीरे करके, अगर आप इसे बाय करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप इसमें अच्छी कमाई करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, इसमें कोई भी गारंटी वाली बात नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता। तो आप अगर आप इसे बाय करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड बाय बाय।